टी20 वर्ल्ड कप में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब अगला टूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यू कप्तान फखर जमान और बाबर आजम ने मिलकर पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोस्तों, फखर जमान ने पुराने खिलाड़ियों की छुट्टी, दोस्तों जबकि नए खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला कर लिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड के बारे में और साथ ही साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा आप दोस्तों को छोटी सी वीडियो के अंदर कंप्लीट बताएंगे। आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान फखर जमान ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दो टी20 मैचेस के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तानी टीम की क्यादत फखर जमान करेंगे। दोस्तों, बकिया खिलाड़ियों में आजम खान, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारस रऊफ, इफ्तखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, शदाब खान और उस्मान खान शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच 1 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों, पहला टी20 मैच कौन सी टीम जीतेगी, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।